Dear student, as we have discussed about vulnerable groups in the society, ke unka risk level kitna hai in consumption, and then risk level in income, then risk level in investment, risk level in employment, whether someone is working in formal sector or informal sector. To ab jis waqt vulnerable groups ko hum identify karte hain, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू चेक द इंटेंसिटी एंड डेप्थ ऑफ वल्नरेबिलिटी कि वो वल्नरेबल तो है बट व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ वल्नरेबिलिटी कि किस लेवल का वल्नरेबल है लो लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी है मीडियम लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी है या हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी है और उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सिंपल चेक करते हैं प्रोपेंसिटी टू सफर अ सिग्निफिकेंट शॉक इन द फ्यूचर कितनी प्रोपेंसिटी है कि वो नेक्स्ट ईयर नॉन पुअर से पुअर हो जाएगा और अगर वो प्रोबेबिलिटी हाई है तो वो हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी लो है तो लो लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी होगा सेकेंडली इसको हम सिंपल फोरकास्ट करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग पुअर इन द नेक्स्ट ईयर या कितनी प्रोबेबिलिटी है ऑफ बीइंग पुअर इन नेक्स्ट फाइव ईयर्स या कितनी प्रोबेबिलिटी है of moving from non-poor to poor and poor to non-poor तो उसको चेक किया जाता है नंबर वन नंबर टू पे कि what is the intensity और intensity चेक करने के लिए जो probability है वो sometime वन or less than 1% होती है बहुत minor level of vulnerability होती है then 10% level के वो next year 10% प्रोबेबिलिटी है कि वो अगले साल पुअर हो जाएगा तो वल्नरेबिलिटी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इफ समवन इज एक्सपेक्टिंग 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ पुअर इन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट फाइव ईयर में उसकी प्रोबेबिलिटी 50% एंड मोर देन 50% होगी देन द इंटेंसिटी और डेप्थ ऑफ वल्नरेबिलिटी इज एट द हाई लेवल तो जिस वक्त स्टेट स्ट्रेटेजी लॉन्च करती है to overcome vulnerability and to overcome poverty level or to minimize the incidence of poverty या to minimize the level of vulnerability in terms of income or in terms of consumption or in terms of employment generation या in terms of assets in terms of investment के उसकी investment कितनी secure है तो उसके लिए उसकी intensity important role play करती है कि क्या less than 1% probability है of being poor in the next year or 10% probability है of being poor in next year और 50% प्रोबेबिलिटी है तो यहां से हम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं कि नेक्स्ट वन ईयर में नेक्स्ट थ्री ईयर में और नेक्स्ट फाइव ईयर में कितने चांसेस है ऑफ बीइंग पुअर और इसको पॉलिसी मेकिंग में यूज किया जाता है क्योंकि पॉलिसी रेलिवेंस इसकी ये बनती है कि जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ वल्नरेबल हैं उनको सबसे पहले सपोर्ट दी जाए सब्सिडी दी जाए या उनके लिए कोपिंग स्ट्रेटेजी लॉन्च की जाए और जिनका वल्नरेबिलिटी लेवल लो है उनको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए